अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बनाएंगे ड्राइंग सरदार अयाज सादिक, जो के एक्स स्पीकर कौमी असम्बली थे, हमारे बॉस थे। आज इनकी ड्राइंग बनाते हैं, तो इनको प्रेजेंट की थी, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले उसी तरह पेंसिल से जो है ना, मैंने क्रॉस एक प्लस का निशान लगाया जिसमें आँखों का और नाक का अंदाज़ा होता है। उसके बाद मैंने उसे ड्रा करना शुरू किया पेंसिल के साथ। ये एक ड्राइंग है, मुकम्मल स्केच नहीं है। स्केचिंग में सिर्फ पेंसिल यूज़ की जाती है, सिर्फ एक चीज़ यूज़ की जाती है। तो ये ड्राइंग टाइप है, इसमें दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले एक ड्राइंग बनाई है पेंसिल के साथ, उसके बाद फिर हम इसे पेन के साथ जो है ना, यूनिबॉल ब्लैक पेन के साथ इसकी ड्राइंग को थोड़ा सा डार्क करते हैं। वही मैंने फिर आँखों से तकरीबन स्टार्ट लिया। तो पहले आंखें बना ली, उसके बाद मैंने पेंसिल से सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि उसका अंदाज़ा हो जाए कि फेस डायरेक्शन क्या है। और क्योंकि पेन से मैंने बनानी थी ये ड्राइंग, तो पेन में गलती हो जाए तो फिर उसके मिटाने के चांसेस नहीं होते, इसलिए पहले मैंने थोड़ी सी पेंसिल से बनाई, उसके बाद मैं इसे पेन के साथ इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ। ये बनाकर मुकम्मल इनको प्रेजेंट की गई थी इनके ऑफिस में जाकर, तो उसकी भी तस्वीर आपके साथ शेयर की जाएगी। जी, ये तकरीबन ड्राइंग मुकम्मल होगी। इसके बाद वही 9B पेंसिल के साथ इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी करेंगे, फेस कट्स थोड़े से बनाएंगे और फिर उसके बाद एंड पे बाल वगैरह बना के और कोट की शेडिंग करके तो इस पिक्चर को फाइनल टच देंगे। मेरे चैनल पे फ़िलहाल 4 प्लेस चल रहे हैं, उनमें से एक ड्राइंग का है जिसमें सिर्फ ड्राइंग की रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट चल रहा है कैलीग्राफी का, जिसमें सिर्फ कैलीग्राफी सिखाई जा रही है। इसके अलावा एक जो है ना, बर्थडे और पार्टी डेकोरेशन के नाम से चल रहा है, और एक और चल रहा है होम इम्प्रूवमेंट का। उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि सारे काम खुद घर में करके, मतलब जो काम आप बाहर से करवाते हैं वो काम खुद भी किए जा सकते हैं। तो चूँकि अपने घर के काम होते हैं, इसलिए इसमें गलती भी हो जाए तो कोई नहीं, आपने खुद ही देखना है। तो दूसरी बात यह है कि आप अपना काम समझ के बहुत मेहनत से उसको करते हैं, तो बाहर से करवाने के लिए बार बार आपको कहना पड़ता है, मशवरे देने पड़ते हैं। आपके जहन में जो चीज़ बनवाने की होती है वो आप ख़ुद बना सकते हैं। तो चौथा मेरा प्लेलिस्ट उस चीज़ का चल रहा है। उसके अलावा भी मज़ीद बहुत सी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इसमें। फ़िलहाल मैं इन 4 पर काम कर रहा हूँ, रोज़ाना एक ना एक की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आजकल एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि साथ काम बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क भी होता है, और इस वजह से थोड़ा सा मेरे लिए रोज़ाना की वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनानी स्टार्ट की। इसमें इनके कुछ बाल सफ़ेद थे, तो उसको हमने थोड़ी सी लाइट शेडिंग कर दी। जो सफ़ेद बाल हैं उस पर हमने पेन हल्का फेरा, और जो ब्लैक हैं उस पर थोड़ा सा डार्क कर दिया। उस पर ज़्यादा आपने पेन फेर लेना है, वो डार्क हो जाएगा। ये आपके सामने फेस की तकरीबन मैंने डिटेलिंग करने के बाद पेंसिल का काम ख़त्म कर दिया था। अब मैं बालों पे आ गया हूँ। ऑयल पेंट के साथ भी स्केच बनाए जाते हैं, ऑयल पेंट के साथ भी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, फेस पेंटिंग्स। अब फेस पेंटिंग में मैंने स्टार्ट से बताना शुरू किया है कि ड्राइंग कैसे करनी है, स्केचिंग कैसे करनी है। इससे पहले भी मैं स्केचिंग की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की अपलोड कर चुका हूँ, और आर्टिस्ट जो होता है वो आर्टिस्ट वो किसी पार्टी के साथ नहीं होता, और वैसे भी मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो हम पार्टियों से हट के जॉब करते हैं। तो इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं कि सब PMLN के मैं स्केच बनाऊँगा। हाँ, मैंने PMLN के बनाए, पीपल पार्टी के कुछ लोगों के बनाए हैं, JUI के बनाए, और PTI के चेयरमैन का भी बनाया, और इसी तरह मैंने बहुत से लोगों के स्केचेस बनाए और उन्हें मैंने
प्रेजेंट किए। ये तकरीबन हमारे बाल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद अब मैं कोट की शेडिंग वगैरह करता हूँ साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो सीखने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रابطہ भी कर सकते हैं। ये कोट की शेडिंग मार्कर के साथ करने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी सी पेन के साथ उसे फैला रहा हूँ। ये हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई। अब इसकी टाई का रेड कलर था, रेड कलर के लिए पेन के मैं डॉटेड डॉट्स वगैरह डाल रहा हूँ, और इनको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मार्कर का यूज़ भी करूँगा बाद में, और फिर हमारा स्केच ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको तस्वीर दिखाई जाएगी उनको प्रेजेंट करने की। और पेन का काम मुकम्मल हो गया। अब रेड मार्कर से मैं डॉट्स वगैरह डाल रहा हूँ। ये स्टैंप लगाई और ये हमारा ड्राइंग तैयार होगी। ये फ्रेम करके मैंने इनको प्रेजेंट की थी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।